आलतू जलालतू आई बला को टाल तू, 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 आलतू जलालतू आई बला को टाल तू। अरे साधना, तुम्हारा ये अलाय बलाय उतारने का नाटक फिर से शुरू हो गया। मुझे सब पता है शर्मा जी, ये नाटक वाटक नहीं है बल्कि ये बलाएं उतार के दुआएं लेने का तरीका है, समझे आप? मॉम आंखें खोल लो। रवि तूने आंखें खोली क्या? आधी। चलिए शर्मा जी आप बैग वहां रखिए। अरे साधना मुझे कॉलेज जाने देर हो रही है। डोंट एंग्री मिया, मैंने कहा ना बैग रखिए, बैग रखिए। लेकिन लेकिन साधना। बस साइलेंट हो जाइए वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगी। आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू। अनंत दान महाकल्याण, दान दो दुआ लो। चलिए जाइए और ये दान में दे दीजिए। चलिए साधना तुम्हारा ये रोज रोज दान पुण्य का चक्कर जो है ना, मतलब बस बस शर्मा जी और कुछ मत बोलिए, पाप लगेगा। अरे दान देना पुण्य का काम होता है और आप तो मंदिर के ट्रस्ट के प्रेसिडेंट भी हैं, आपको तो ज्यादा दान देना चाहिए, ज्यादा पुण्य करना चाहिए। साधना मैं दान पुण्य के खिलाफ नहीं हूँ। तो क्या मेरे खिलाफ है? नहीं नहीं मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ, मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि हम जब दान देते हैं तो ये क्यों नहीं देखते कि सामने वाला जिसको हम दान दे रहे हैं वो दान लेने लायक है भी कि नहीं। अरे तो आप क्या चाहते हैं, मैं क्या भिखारी का बायोडाटा मंगा लूं? हमें उसे दान देना है, नौकरी नहीं देनी है। शर्मा जी आप जानते नहीं है दुआओं में बड़ी ताकत होती है। खैर मुझे ये तो नहीं पता कि दुआओं में कितनी ताकत होती है, लेकिन मुझे ये जरूर पता चल गया कि तुम में कितनी ताकत है, तुम्हें जो करना है तुम करो। मुझे कुछ नहीं करना है, आपको करना है। ये जो पैसे है ना आपके सर से उतारे हुए, ये जाके आपको भिखारी को दान में देने हैं, समझे ना? चलिए जाइए दीजिए और चलो तुम दोनों भी जाओ, जाओ जाओ। अरे आराम से नहीं चल सकते मेरे देख के? मम्मी आप ही ने तो आंखें बंद करने को कहा था। अच्छा ठीक है मुझे सब पता है, चलो 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 बाहर चलो। वाह कलयुग और कलयुग के इंसान जो कुछ पैसे देकर दुआएं खरीदते हैं। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, तुम लोग खूब तरक्की करो, कक्षा में अव्वल आओ बेटा तुम लोग। भगवान तुम्हारे घर को खुशियों से हरा भरा रखे। ये लीजिए। अरे मुझे क्यों दे रही हो पैसे? भिखारी वो है, मैं नहीं। अरे मुझे सब पता है, आपसे तो टॉकिंग करना ही यूजलेस है। अरे सिग्नल पे इतने सारे भिखारी होते हैं ना, तो उन्हें दे दीजिएगा। डोनेशन हैपनिंग और ब्लेसिंग्स मिलिंग। हाँ। क्या हुआ गोपाल? देखो बाल गोपाल, मैं वैसे ही बहुत चढ़ा हुआ हूँ, मुझे और मत चढ़ाओ। अरे गोपाल मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ। सब जानते हो फिर भी पूछते हो क्या हुआ? एक पत्नी पीड़ित पति का मजाक उड़ाते हो, ये अच्छी बात नहीं है बाल गोपाल। गोपाल तुम एक साधना को नहीं संभाल पा रहे हो जबकि मेरी तो 16,108 पत्नियां थी। इसीलिए तुम्हें भगवान बोलते हैं, यहाँ एक नहीं संभलती, तुम 16,000 संभाले बैठे थे। 16,108 गोपाल। हाँ ठीक है ठीक है। साहब कुछ दो ना। कुछ दो ना साहब। ये क्या कर रहे हो गोपाल? अरे पत्नी का दिया हुआ काम निपटा रहा हूँ। वैसे एक बात बताओ बाल गोपाल, मुझे भी वो वाला महामंत्र बता दो ना जिससे तुमने 16,108 पत्नियों को संभाला। गोपाल अब तो सिर्फ एक ही महामंत्र है कि तुम अपनी पत्नी को खुश कर दो, वो भी 4 गुना ज्यादा। क्योंकि गोपाल एक बार मेरी प्रिय ने मुझसे कहा था कि तुम ना मुझे चांद लाकर दे दो। तो तुम उसके लिए चांद लेकर आए? नहीं गोपाल, बस मैंने उसके हाथ में आईना रख दिया और कहा कि अब तुम देखो अपने चांद को। उसके बाद वो प्रसन्न हो गई। वाह बात में तो दम है। अरे रुको 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 रुको, आओ मेरे साथ आओ साहब। आओ अभी यहाँ तुम्हें जो भी खाना हो तुम लोग खा लो। साहब साहब खाना नहीं है साहब, पैसे दे दो ना। पैसा नहीं दूंगा, जो खाना है वो खिला दूंगा। नहीं नहीं साहब खाना खा लेंगे बाद में। कहा ना पैसा नहीं दूंगा लेकिन जो खाना है खा लो। सुनो भाई इनको खिलाओ जो भी खाना हो इनको। हाँ लो
खाओ, अच्छे से खाना, और चाहिए हो तो ले लेना। ए बाल गोपाल, ठीक है ना, चार गुना। खाओ खाओ खाओ, तुम खाओ। क्या शर्मा जी, आपने दान के पैसों से भिखारियों को समोसे और कचौरी खिला दिए? अरे आप जानते भी हैं आपकी इन हरकतों की वजह से घर में बला घुस आती है। साधना, ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे सब पता है, जिस दिन भी मैं बलाएं उतार के दुआएं लेती हूँ ना, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। आज भी बच्चों को स्कूल में डांटनी पड़ी और ए ग्रेड भी मिला है। अरे ए ग्रेड उन्हें इसलिए मिला क्योंकि मैंने पढ़ाया था उन्हें। मुझे सब पता है, ए ग्रेड इसलिए मिला है क्योंकि मैंने दुआएं ली थी। आपको ना बात समझ ही नहीं आती है, और जो ये अमंगल करके आप आए हैं ना, इसकी वजह से तो आज घर में ऐसी बला आएगी ना कि आप क्या कर रहा था तू? क्या करता रहता तू? ये क्या है? क्या हुआ? नहीं, क्या है ये? क्या फेंक के रखा हुआ, बोल ना। डैड, ऊपर एक पतंग थी, मुझे वो चाहिए थी। पतंग? तो तू गिर गया, चोट तो नहीं लगी तेरे को? तू ठीक है ना? नहीं मॉम, मुझे बिल्कुल चोट नहीं लगी। देखा, अमंगल तो हुआ है ना, ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि हमने दान नहीं दिया। अरे क्या है, तुम फिर से शुरू हो गई अमंगल मंगल मंगल मंगल। मैंने बोला ना ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे बच गया इसलिए क्योंकि इसको दुआएं मिली है। अरे कौन सी दुआएं मिली है? कोई दुआएं नहीं मिली है इसको। अरे पता नहीं क्या करता रहता है यहाँ पे। अरे आप इसको क्यों मारे, इस बेचारे को क्या? अरे मारूंगा क्यों नहीं इसको, देखो ना यहाँ पे कौन सी पतंग, कौन सा स्टूल पड़ा हुआ है। अरे कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता है, देख लिया तुमने। तुम्हारी 16,108 के ऊपर देखो मेरी एक साधना भारी पड़ती है, देख लो अपनी आंखों से। ये मुझे फंसाने का ठेका ले रखा है क्या तुमने? क्या फिर से पागलपन के दौरे पड़ गए आपको, खुद से बातें कर रहे हैं? अरे अब मैंने कहा ना, जो मंदिर के पीछे भिखारियों की बस्ती है ना, वहां जाके हमें दान देना ही होगा, ताकि ये जो सब अमंगल है ना और आपका पागलपन का दौरा ये खत्म करना ही होगा। तो रुको, आप चलिए मेरे साथ। अरे कहां लेके जा रही हो? अरे बात तो सुनो मेरी, कहां लेके जा रही हो मुझे? अरे साधना साधना मेरी बात तो सुनो। साधना मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे सब पता, आप चलिए चुपचाप। नमस्ते शर्मा जी। नमस्ते गोपाल जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नहीं नहीं अभी नहीं, बाद में बात कीजिएगा, हमें बहुत देर हो रही है, हमें बहुत जरूरी काम है, फिर भिखारी सो जाएंगे। हटिए आप लोग, चलिए हटिए, आइए शर्मा जी, आप आइए, चलिए चलिए। साधना कपूर साहब, आपको पता है ये भाभी जी भिखारियों के पास क्यों जा? मुझे नहीं पता। अरे तो पता रखा कीजिए ना, मोहल्ले में क्या हो रहा है, आप मोहल्ले में नहीं रहते। चलिए कोई बात नहीं, आप मेरे पीछे आइए, देखे तो सही कि ये चक्कर क्या है। चलिए 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 चलिए। अरे भाई तुम्हारे लिए नौलखा हाल लाएंगे हम। हाँ चलो चलो चलो। हाँ अरे सरदार आइए आइए, सरदार बैठिए बैठिए बैठो बैठो आइए। अरे अरे सरदार। हेलो। अरे हाँ हाँ, क्या हमारी आज की? अरे मंगलू वाह, अरे कहाँ भीख मांग रहा है आजकल, कौन बेवकूफ फंस गया इतनी भीख दे रहा। अरे सरदार आजकल मैं दुआएं लो बलाएं दो कह के भीख मांग रहा हूँ। सुन लिया तुमने, और सुनना चाहती? देख लो, ये लोग सारा दिन भीख मांगते हैं, उसके बाद शाम को ये करते हैं। एक तरह से ये जो कुछ भी हो रहा है ना, तुम्हारे पैसों से ही हो रहा है साधना। अरे तुम, हमें क्या करना है कि ये लोग क्या करते हैं? हम तो अपना कर्म कर रहे हैं ना, हम तो दान पुण्य कर रहे हैं, अब इन्हें जो करना है वो ये करें। आप भी ना। अरे भैया, अरे मैडम, ये लो, तुम फूलो फलो आगे बढ़ो, भगवान आपका भला करे। कपूर साहब, लगता है भाभी जी शर्मा जी को विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारियां कर रही है। अरे तभी तो इतनी सारी दुआएं खरीद रही है, साथ ही साथ इन भिखारियों के वोट भी। देखा आपने, दुआएं दे रहे थे। चलिए सक्सेना साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? How like that? Why like that? भाभी जी, हम तो यहाँ वो उसके लिए आए थे, उसके लिए वो। किसके लिए? अरे किसके लिए आए थे कपूर साहब? मुझे क्या पता, आप ही तो लेकर आए थे। हाँ याद आ गया भाभी, वो हम यहाँ वो उसके लिए वो दान देने आए थे आपकी तरह। चलिए कपूर साहब, दान दीजिए, चलिए चलिए।
अरे भैया यहाँ भिखारी कौन है? अरे हम हैं। हाँ भैया हाँ ये लो ये लो ये खूब ले लो ये लो। भगवान आपका भला करे। कोई गरीब भगवान आपके परिवार का भला करे। हाँ क्या हुआ गोपाल? बाल गोपाल तुम ये लाइन तो बोला ही मत करो। सब कुछ जानते हो फिर भी पूछते रहते हो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन गोपाल मैं तो पूछूंगा, लगता है तुम्हें सच में दुआ की जरूरत है। हाँ बाल गोपाल, ये दुआएं खरीदने के चक्कर में मेरी मेहनत की कमाई जो रोज पानी में जा रही है उसे बचाने के लिए तो मुझे सच में दुआ की जरूरत है। गोपाल जैसे शारदा अपना कर्म कर रही है ना दान देकर, वैसे तुम भी अपना कर्म करो मेहनत की कमाई बचा कर। लेकिन बाल गोपाल कैसे? एमा, एमा, पापा क्या कर रही है तू यहाँ पे? कमरे में जाके सो। नहीं नहीं पापा मैं अभी सो नहीं सकती, मुझे ये लिखना है, मुझे ये निबंध कल कॉलेज में देना है पापा। कैसा निबंध? भिक्षावृत्ति पर निबंध लिखना है पापा, लेकिन मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या लिखूं। देखो बेटा ऐसा था कि पुराने जमाने में जब बच्चे आश्रम में पढ़ा करते थे तो उनके लालन पोषण रहन सहन इस सब की जिम्मेदारी जो है वो समाज उठाया करता था। तो होता क्या था कि बच्चे जो हैं वो समाज में जाकर लोगों से भिक्षा मांगा करते थे और समाज के लोग जो हैं वो उन्हें भिक्षा दिया करते थे। लेकिन आज के जमाने में ये भिक्षा मांगना भीख मांगना ये सब एक व्यापार हो गया है और अपराध इसलिए है क्योंकि भीख मांगने की आड़ में बहुत तरह के अपराध किए जाते हैं। मसलन बच्चों का अपहरण, उनके अंग काट काट कर उनसे जबरदस्ती भीख मंगवाई जाती है वगैरह वगैरह। अब इस सब में मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि सरकार को भीख मांगने पर रोक लगानी चाहिए। थैंक यू सो मच पापा, अब देखना इस निबंध के लिए मुझे कल कॉलेज में बहुत अच्छा ग्रेड मिलेगा, इसे कल मैं सुबह डिटेल में अच्छे से लिख दूंगी। हाँ गुड नाइट। गुड नाइट। तुझे तो मैंने कैसे करके समझा दिया है माँ, लेकिन अब तेरी माँ को कैसे समझाऊं? उसे तो समझाया नहीं जा सकता, उसका तो बस हर चीज में एक ही जवाब होता है, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। आलतू जलाल तू आई बला को टाल, आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू। ये लो भैया। भगवान हर बला को टाले, सदा सुखी रहो। चल जा, कूल जा, 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 बाय। तू भी जा। देखो मैं कुछ कहूंगा तो तुम बुरा मान जाओगे, लेकिन मैं कहूंगा जरूर। हाँ वे काम करो, दुआ करो कि अगली बार मंदिर के ट्रस्ट के प्रेसिडेंट का चुनाव मैं ही जीतूं। हाँ जी। और ये जो दुआ है थोड़ा ऊंची आवाज में करना, जितना ऊंचा बोलोगे उतना जल्दी भगवान तक आवाज पहुंचेगी। ठीक है साहब। हर अला वला टले और अगले चुनाव में साहब की जीत हो। अच्छा ये लो भैया। सदा सुखी रहो। अरे और दुआएं दो, जोर जोर से दुआएं दो। खूब फूलो खूब फलो, घर में आने वाली हर आला भला टले। हे भगवान। एक मिनट, अबे खाना नहीं खाया तूने? आवाज नहीं निकल रही तेरी, आवाज यहाँ से निकाल, जोर से बोल। जोर से बोलो, जोर से। हर साल शर्मा जी इलेक्शन में प्रेसिडेंट बने। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। और जोर से। सब आला भला टले और अगले चुनाव में साहब की जीत हो। ऐसे पड़ोसियों से छुटकारा मिले, आगे बढ़ो, ऐसे पड़ोसियों से हमेशा के लिए छुटकारा मिले। साहब थक गए साहब, साहब
अबे अबे कहाँ भागा तू? ओ पाल शर्मा, अच्छा मुझसे ज्यादा दान देगा, मैं देखता हूं। अरे सुनो भाई, इधर आओ। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि शर्मा जी खुद अपने हाथ से दान पुण्य कर रहे हैं। अब कोई टेंशन में एक्सटेंशन नहीं होगा। देखो ऐसा है कि मेरा एक दोस्त है, अस्पताल में है बेचारा, बहुत बीमार है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो तुम ऐसा करो ये 5,000 रुपया रखो और उसकी जान बचा लो। देखो ऐसा है कि मेरा एक दोस्त है, अस्पताल में है बेचारा, बहुत बीमार है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो तुम ऐसा करो ये 5,000 रुपया रखो और उसकी जान बचा लो। अरे साहब कैसी बात कर रहे हैं आप, जब डॉक्टर साहब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो मैं क्या करूंगा साहब, मैं तो सिर्फ दुआ कर सकता हूँ साहब। अच्छा हाँ। तो ऐसा करो कि मैं तुम्हें 10,000 रुपया देता हूँ और तुम मेरा एक दूसरा काम कर दो। 10,000? हाँ 10,000। पर काम क्या है साहब? वो क्या है कि मेरे कॉलेज में एक टीचर है, दोनों आंखें चली गई बेचारे की, तो तुम ऐसा करो ये 10,000 रुपया रख लो और अपनी एक आंख दे दो। अरे अरे नहीं साहब नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हैं साहब आप, आंख ले लेंगी तो। ओ अच्छा, आंख भी नहीं दे सकते, ठीक है ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हें 50,000 रुपया दूंगा। वो क्या है कि मेरा एक और दोस्त है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया बेचारे का, एक पांव कट गया उसका, तो मैं तुम्हें 50,000 रुपया दूंगा, तुम अपनी एक टांग दे दो मुझे। अरे नहीं नहीं साहब, पैर वैर हम काम, वो भी नहीं दे सकते। चलो छोड़ो यार ये सब हजारों की बातें, छोड़ो लाखों की बातें करते। वो क्या है कि मेरे दोस्त के पिताजी की दोनों किडनियां फेल हो गई, तो तुम ऐसा करो अपनी एक किडनी दे दो उन्हें, वो तुम्हें 5,00,000 रुपया देंगे। 5,00,000 रुपया भी देंगे, साथ में दुआएं भी देंगे कि तुम्हारी किडनी वापस आ जाए। अरे साहब कैसी बात कर रहे हैं आप, दुआ करने से कभी किडनी आती है क्या साहब? आप भी दुआ से किडनी तो वापस नहीं आती है, पर यही तो सोचने वाली बात है, ये भगवान ने तुम्हें करोड़ों का शरीर दिया है और तुम फिर भी भीख मांग रहे हो, बलाएं ले लेकर दुआएं बेचने का काम करते हो। अरे क्या करोगे तुम अपने इस करोड़ों के शरीर का, अगर तुम्हें भीख ही मांगनी है तो ऐसा करो अपनी आंख दे दो, टांग दे दो, किडनी दे दो, बहुत सारी भीख भी मिलेगी और बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। साहब साहब मुझे माफ कर दो साहब, अब मैं कभी भीख नहीं मांगूंगा साहब। आ गई बात समझ में? जी साहब। शर्मा जी आपने दान के पैसों से भिखारियों को समोसे और कचौरी खिला दिए, अरे आप जानते भी हैं आपकी इन हरकतों की वजह से घर में बला घुसा दी है। अरे क्या है तुम फिर से शुरू हो गई, मंगल 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 मंगल, मैंने बोला ना ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे बच गया इसलिए क्योंकि इसको दुआएं मिली है। अरे कौन सी दुआएं मिली है, कोई दुआएं नहीं मिली है इसको। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, तुम लोग खूब तरक्की करो, कक्षा में अव्वल आओ बेटा तुम लोग। अरे मंगलू वाह, अरे का भीख मांग रहे आजकल? अरे सरदार आजकल मैं दुआएं लो बलाएं दो कह के भीख मांग रहा हूँ। शर्मा जी सॉरी हूँ मैं, इसमें अब इस बेचारे की तो कोई गलती नहीं है ना, हम लोग ही बलाएं दे के दुआएं खरीदना चाहते हैं, गलती तो हमारी है। सक्सेना साहब आप कुछ नहीं कहेंगे आप? हाँ हाँ, जाओ काम करो जाके। वाह पाठ वाह, तुम तो छा गए। अच्छा सुनो, अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा ना कि मैं 16,108 पत्तियों को कैसे संभालता था। आया समझ में बाल गोपाल, आया समझ में, तुम धन्य हो बाल गोपाल, धन्य हो, और उससे भी ज्यादा धन्य है तुम्हारे वो आइडिया, तुमने जो आइडिया दिया वो काम आ गया।
पार्थ मनुष्य तुम भी हो और वो भीख मांगने वाला भी, शरीर तुमको भी मिला है और उसे भी, स्वस्थता उसे भी मिली है और तुम्हें भी। गोपाल अब यही बात तुम उसे समझाओ कि वो भीख मांगने की जगह मेहनत से भी अपना भरण पोषण कर सकता है। अरे बाल गोपाल, तुम्हें हर चीज आसान से लगती है। तुम ये नहीं समझते कि जिसे मुफ्त की खाने की आदत पड़ जाती है ना, उसकी सोच और समझ दोनों सो जाते हैं। हाँ गोपाल, तो उसके मन और मस्तिष्क दोनों को तुम्हें जगाना होगा। अरे भाई, लेकिन कैसे? देखा गोपाल, आगे सोए इंसान को तुमने जगा ही दिया। हाँ बाल गोपाल, हाँ। अरे शर्मा जी, खुद से बातें करें, फिर से कोई बला तो नहीं आ गया इनके ऊपर? लेकिन कोई बात नहीं, अगर बला आ भी गई है तो खुद ही चली भी जाएगी, मुझे सब पता है।